एक्सप्रेस लाइफ न्यूज आवाज आपकी सुरक्षा हमारा। कुंदौरा मंदिर के तर्ज पर होनी चाहिए अड़हनी मंदिर का विकास। स्थानीय लोग तथा श्रद्धालुओं ने उठाई आवाज। जी हां, नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बदली सरकारें, बदले जनता के नुमाइंदे, पर नहीं बदला तो वह अड़हनी मंदिर का सूरत हाल। प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव बजरंग धाम अड़हनी परिसर में लगभग 400 वर्ष पूर्व बजरंग बली और भगवान शिव का मंदिर सब समाज के सहयोग से बनाया गया था। तालाब परिसर में उसी समय स्थानीय गांव के गुप्ता परिवार के द्वारा लगभग 4-5 बीघे में बना बहुत ही अद्भुत पौराणिक तालाब का निर्माण कराया गया था। लगभग 20 एकड़ की परिधि में फैले इस परिसर में महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता था। मेला की खूबी यह था, इस मेले में हाथी दौड़ और घोड़ा दौड़ आकर्षण का केंद्र रहता था। समय बीता, क्षेत्र की परिस्थितियां बदली, आम जनमानस का रुझान कम हुआ, जिस वजह से पौराणिक तालाब आज के परिवेश में छत बिछत हो गई है तथा मंदिर के विकास और चमक में कमी आ गई। महाशिवरात्रि में मेला आज भी लगता है, प्रत्येक मंगलवार को भी मेला लगता है, पर नहीं वो उत्साह है और न ही श्रद्धालुओं की पुरानी तादाद रही। फिर क्या, जीर्ण छीर्ण पड़ा तालाब और मंदिर परिसर का विकास आज लोगों के लिए चुनौती बन गई है। हालांकि हंडिया के पूर्व विधायक प्रशांत सिंह व सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त ने 2 यात्रिक सेट बनवाया और कुछ समाज सेवा से जुड़े लोग के सहयोग से माँ दुर्गा मंदिर, मौनी बाबा का मूर्ति स्थापना, परिसर में रामलीला चबूतरा व प्रवेश गेट का निर्माण कराया गया, जिससे यहाँ की छवि बदली। मंगलवार को स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं द्वारा यह आवाज उठाई गई कि जैसे कुंदौरा मंदिर का विकास हुआ, उसी तरह अड़हनी मंदिर का भी विकास होना चाहिए। विकास तो होनी चाहिए, पर कुंदौरा महादेव का विकास जवाहरलाल गौड़ अध्यक्ष सरधर समन्वय समिति कुंदौरा हरिपुर मर्रो की अगुवाई में हुआ। हंडिया क्षेत्र में स्थित महाभारत कालीन पौराणिक स्थल लाचागिरी का विकास लाचागिरी पर्यटन विकास समिति के निदेशक ओंकार नाथ तिवारी की अगुवाई में हो रहा है। सवाल यह है कि कुंदौरा मंदिर तरह विकास के लिए जवाहरलाल गौड़, सुरेंद्र पांडे, मंटू और विजय बहादुर यादव की तरह करवट और जुझारू कार्यकर्ता की जरूरत होगी, ये कैसे संभव होगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के विकास के लिए धनुपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ज्योति यादव ने भी आगे हाथ बढ़ाया है। बस क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग मंदिर के विकास को आगे ले जा सकता है। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन करने पहुंचे सरधर समन्वय समिति कुंदौरा महादेव हरिपुर मर्रो के अध्यक्ष जवाहरलाल गौड़ ने बताया कि मंदिर के विकास के लिए कुछ करवट कार्यकर्ता की जरूरत होती है। समाज सेवी दीपक पांडे ने कहा, इतने बड़े विशाल परिसर के विकास में जनप्रतिनिधि के अलावा सरकार के सहयोग के बिना विकास संभव नहीं होगा। स्थानीय लोगों ने अलग अलग राय रखी, सबसे बड़ी आवाज यही रही कि मंदिर का विकास कुंदौरा मंदिर की तरह होनी चाहिए। आइए आज मंदिर परिसर में मौजूद लोग से बात करके सूरत हाल की जानकारी लेते हैं। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हंडिया तहसील क्षेत्र के धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव बजरंग धाम अड़हनी परिसर में आज हम पूरी टीम हमारी आज यहाँ आई है और आने का भी मेन मकसद ये है कि इस क्षेत्र में, हंडिया क्षेत्र में एक पौराणिक महाभारत कालीन लाक्षागृह है जो बहुत दिन से उसका विकास रुका था, लेकिन आज शासन सत्ता या जनप्रतिनिधि कह लीजिए उनके या स्थानीय लोग जो वहाँ की समिति बनी है लाक्षागृह पर्यटन विकास समिति, उनके द्वारा लगने से वहाँ का विकास तो शुरू हो चुका है, आगे बढ़ रहा है। बगल में यही सर्वधर्म समन्वय समिति के सौजन्य से उनकी देख रेख में कुंदौरा महादेव का विकास हुआ और तमाम लोग वहाँ आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हैं और घूमते हैं, टहलते हैं, देखते हैं। वहाँ भी कम क्षेत्रफल है लेकिन फिर भी विकास हुआ, लेकिन इतने दूर कई एकड़ में इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला ये शिव बजरंग धाम अड़हनी आज भी विकास से कोसों दूर है। सवाल इसीलिए उठता है कि क्या यहाँ जनप्रतिनिधियों ने अपना ध्यान नहीं आकृष्ट किया या यहाँ के जो शासन सत्ता के लोग थे उन लोगों का भी ध्यान इधर नहीं आया, और या स्थानीय जो समाज सेवी है या स्थानीय जो लोग हैं जो अक्सर धर्म के काम में या मंदिर निर्माण कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, ऐसे लोग भी नदारद रहे जिस वजह से शिव बजरंग धाम अड़हनी का विकास रुका रहा। आज इसी परिवेश में, चूंकि मंगलवार है, स्थानीय लोग या दूरदराज से लोग भी यहाँ आते हैं, बजरंग बली का दर्शन करते हैं, ऐसे हमारे साथ कुछ भक्त लोग मौजूद हैं जिनसे बात हम करना चाहते हैं।
क्या नाम है आपका? मैं दीपक कुमार पांडे सेवना का रहने वाला हूँ। दीपक जी, ये बताइए कितने दिन हो गए कि तमाम लोग, तमाम जगह का मंदिर का विकास हुआ, लक्षागृह विकास की ओर बढ़ रहा है, कुंदौरा महादेव भी विकास की ओर बढ़ रहा है, तो क्या कारण है कि यहाँ का विकास रुका रहा? मैं लगभग यहाँ 15 साल से आता हूँ हर मंगलवार को दर्शन करने के लिए बजरंग बली का। यहाँ पर शंकर जी का भी, भोलेनाथ का भी मंदिर है, भव्य मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है। कम से कम लगभग जो है यह मंदिर हमारे ख्याल से 500 वर्ष पहले की है, शंकर जी की मंदिर और दुर्गा माता की भी मंदिर है। यहाँ धर्म के नाम पर लोगों की आस्था बहुत कम जुड़ रही है। हम लोगों को लगता है कि यहाँ हम ही नहीं, हम तो आते हैं एकादुकी जैसे जो लोग आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संतों का जो है जमाड़ा नहीं लग पा रहा है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि बगल में आपके सर्वधर्म समन्वय समिति की अगुवाई में तमाम जगह उन लोगों ने मेहनत किया और उसकी वजह से कुंदौरा मंदिर का विकास हुआ, तो यहाँ भी इस तरह से लोग ठीक सामने ये फूल माला और प्रसाद बेच रहे हैं। ये दो लोग बैठे हैं और पंडा महाराज हैं, ये प्रसाद बेच रहे हैं। तो ये बताइए कि पंडा महाराज की आप लोग कितने साल से यहाँ दुकान लगाते हैं? कब से? 25 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, तमाम मंदिर का निर्माण जैसे, मंदिर का विकास जैसे होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, इसी वजह भक्त कम आ रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, लोगों को विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यहाँ के लोग और सब आप सब जो है यहाँ के अगर विकास के लिए लिखते हैं तो विकास जरूर होगा। आप क्या नाम है आपका? गुड्डू गुप्ता मारो से बोले थे। यहाँ मंदिर का विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हम 17 साल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेके आते हैं, चले जाते हैं। बिक्री कम होती है, आदमी कम आते हैं, आदमी नहीं उतना आते हैं। अगर यहाँ मंदिर का विकास हो तो निश्चित तौर से भीड़ होगी। विकास होना चाहिए। आज इस मंदिर परिसर में जो कि बड़े पुजारी हैं, सबसे मुख्य पुजारी हैं मोतीराम बाबा हमारे सामने हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। बाबा जी, आप कब से हैं यहां? अरे हम 5-3 साल हो जाते हैं। इसका मतलब मौनी बाबा जब थे तब से ही आप हैं? पहले उसके पहले से, उनसे पहले से आप हैं। इसके बाद चलिए मौनी बाबा आए, उनका देवस्थान हुआ। तो ये बताइए, आपका यहाँ रहते हैं तो आपका ये जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, जो आप प्रसाद ग्रहण करते हैं यहाँ, तो बस वो व्यवस्था कहाँ से आता है? गांव वाले देते। तो ये मंदिर का विकास जैसे होना चाहिए, जैसे कुंदौरा महादेव का मंदिर का विकास हुआ, तमाम लोग क्षेत्र में लोग जानते हैं कि हाँ कुंदौरा मंदिर बहुत अच्छा दिखता है, लोग आते हैं घूमने टहलने देखने, यहाँ का मंदिर का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? हमारे समस्या, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ यहाँ जो चीज है वह चीज कुंदौरा नहीं है। ये तो बस सही है, ये प्राचीन स्थल है, ये तो सही है। आस्था की बात अगर देखी जाए तो आस्था में यहाँ कमी नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ का सबसे बड़ा एक दिव्य स्थल है तालाब, जो अर्थों पहले बनाया गया था, तालाब का भी अगर जीर्णोद्धार हो जाता तो ये यहाँ की थोड़ी शोभा और भी बढ़ जाती। बन जाए तो लगे हैं तो लगना चाहिए लोगों को। अरे बड़ा तो बहुत लगे हैं। चलिए ठीक है, धाम रानी मंदिर परिषद के रही और भी तमाम भक्त यहाँ हैं और उनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या लाभ है आपका? कितने सालों से आप इस मंदिर को जानते हैं? हम तो यहाँ 25 साल से आ जा रहे हैं। इससे पहले की व्यवस्थाएँ हैं तो क्या है, क्या कारण रहा कि यहाँ विकास रुक गया है? यहाँ विकास होना चाहिए। विकास थोड़ा सा जागरूकता में जो है ना कमी के कारण जो है ना विकास रुका हुआ है। अब आप लोग के माध्यम से आने से मुझे उम्मीद है कि इसका जनक विकास जनक जवाब हो। यहाँ हर साथ और लोग भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? किस गाँव से हैं? दुर्गा प्रसाद जी, ये बताइए कि आप भी इस मंदिर से जुड़े दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ का विकास होना चाहिए, विकास रुका है। हाँ, विकास तो होना चाहिए भाई। तो क्या ऐसा कुछ किया जाए कि भाई ताकि यहाँ का विकास हो? अरे सब ग्रामवासी मिलकर इसका विकास करें, सब आपस में बैठ के बात करें और इसका विकास करें। आज इसी मंदिर परिसर में सर्वधर्म समन्वय समिति कुंदौरा हरिपुर मर्रो के अध्यक्ष जवाहरलाल गोंड भी पहुँच चुके हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में। आप ये बताइए कि कुल मिलाकर के आप सर्वधर्म समन्वय समिति के अध्यक्ष रहे हैं, आपकी समिति और आप सबकी अगुवाई में कुंदौरा मंदिर का भव्य विकास हुआ, तो यहाँ क्या संभावनाएं हैं, क्या दिखता है और यहाँ कैसे क्या किया जाए कि यहाँ भी काफ़ी विकास हो? देखिए, सब प्रथम मैं
शिव बजरंग धाम अढ़नी, यहाँ को नमन करूँ, इस मिट्टी को नमन करूँ। शायद इसलिए नमन करूँ कि यह धरती जो है ऊर्जावान धरती है। यहाँ पर तमाम संत मनीषी हुए, तमाम विद्वान हुए। मुझे याद है यहाँ के एक ऐसे महान संत हुए जिसे मरकहवा बाबा कहा जाता है। तो ये शिव बजरंग धाम संतों की नगरी है, संतों की जन्मस्थली है। यहाँ का विकास आप लोग देखें, बहुत पहले पुरातन में चाहे यहाँ पर मशहूर है तेलिया तालाब, क्या कौन तेली था, कौन गुप्ता था, वो बनवा दिया, लेकिन आज तक उसका नाम यहाँ पर नहीं, लेकिन उसका नाम इतिहासों में लिखा गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के कुछ जो सम्भ्रांत लोग हैं, जो भी एक ही व्यक्ति अगर कोई मिल करके अगर सोचे कि हाँ यहाँ का विकास होना चाहिए, यहाँ पर धर्म नगरी है, संतों की नगरी है, तो अच्छी बात है। हम सर्वधर्म समन्वय समिति के तरफ से वादा करते हैं, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी व्यवस्था है, अपने मंदिर ट्रस्ट से भी यहाँ का विकास करने में सहायता प्रदान करेंगे। यही देखा गया कि जैसे कि बहुत कम क्षेत्रफल में कुंदौरा महादेव मंदिर के लिए आप सबको बहुत कम क्षेत्रफल मिला, उतने कम क्षेत्रफल में आप लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था बनवाया है, कितनी सिस्टम बनी जगह जगह, जैसे कहाँ मंदिर बननी है, कहाँ धर्मशाला बनना है, देखने में आकर्षण का केंद्र है। तो उस तरह से भी अगर यहाँ लोग लगे तो यहाँ का विकास संभव है। तो विकास तो हुआ, विकास बहुत हुआ। हम तो समझते हैं कि प्राचीन में हम लोग बचपन में थे तो यहाँ का सिर्फ तेलिया तालाब और यही शंकर जी का और हनुमान जी का मंदिर था। तो हनुमान जी की कृपा हुई है, एक संत ऐसे मनीषी आए मौनी महाराज जी, जो विकास का उनका नाम ही मौनी महाराज था, तो उन्होंने बहुत सारा विकास किया। हम लोग भी जुड़े, हमारा सर्वधर्म समन्वय समिति भी जुड़ी, शिव बजरंग धाम भी जुड़ा और बहुत विकास हुआ। और यही विकास नहीं, हम तो जानते हैं बैजपुर में जो यहाँ मरकहवा बाबा थे, वहाँ की जन वहाँ पर उनकी समाधि बनी और कल परसों भंडारा भी था, हम लोग वहाँ गए भी थे। और एक जो पुराना राम जानकी मंदिर वहाँ पर है, वहाँ एक दिव्य मंदिर बनने का उन लोगों ने विचार लिया है, उन लोगों ने सोचा है और हम लोग भी वहाँ संकल्पित होकर आए हैं कि वहाँ पर भी हम शिव बजरंग धाम अरनी और वहाँ बैजपुर का उत्थान करेंगे, हमारा जहाँ तक हिम्मत पड़ेगा। तालाब यहाँ सबसे जो चुनौतीपूर्ण है वो तालाब है। यहाँ का सबसे जो पुराना व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, जो जीड़ छेड़ पड़ी हुई है, व्यवस्थित पड़ी हुई है तालाब, अगर तालाब का निर्माण हो तो निश्चित तौर से इस स्थल का। तालाब तो ऐतिहासिक है, तालाब हमारे ही क्षेत्र में नहीं पूरे जनपद में शायद इतना बड़ा तालाब, इतना सुंदर तालाब कहीं होगा। और ये तालाब थोड़ा अव्यवस्था है मैं मानता हूँ, यहाँ पर संत जी हैं बेचारे अकेले रहते हैं, संत जी मोतीलाल बाबा जी महाराज जी और बहुत सारे हैं लोग हैं, भाई हमारे जिया लाल जी हैं और यहाँ के बहुत सारे विशिष्ट लोग हैं, सबकी भी जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, एक सेवा करने की भावना होना चाहिए। कभी कभी हम अपने खेत में फरसा चलाते हैं, फौड़ा चलाते हैं, अपने लिए चलाते हैं, तो भगवान के लिए भी कुछ न कुछ समय निकाल करके होना चाहिए। और तमाम लोगों से जो यहाँ श्रद्धालु इस समय मौजूद हैं मंदिर परिसर में, उनसे बातचीत हुई और इस आशय के साथ कि अब यहाँ जो है विकास हो, तमाम लोग यहाँ लगे और ये तालाब का विकास हो, इस पूरे क्षेत्र में जो कई एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर परिसर है, यहाँ का विकास हो, इस आशय के साथ लोगों से बातचीत हुई है। और निश्चित ही अगर बताया जाए तो यहाँ एक छोटा सा काम जनप्रतिनिधि के द्वारा हुआ है, जो कि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त द्वारा एक यात्री सेट कराया गया, बाकी न तो जनप्रतिनिधियों का नजर इस पर आ रहा है, न सरकार का भी उस पर नजर आ रहा है। कुछ छोटे मोटे काम यहाँ के विधायक प्रशांत सिंह ने भी कुछ काम कराया है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए विकास, उस तरह से विकास नहीं हुआ है। तो इस तरह से विकास की ये अपील किया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग इसीलिए इसको दिखाने के लिए आज इस शिव बजरंग धाम अंडी परिसर में है। कैमरामैन मनीष शुक्ला के साथ धीरेन्द्र पांडे, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, हंडिया प्रयागराज। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा हमारा।